हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज इस वीडियो में हम IMPS के बारे में बात करेंगे, विच स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक इन इट्स डिटेल। सो हियर वी गो। देखिए, IMPS एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि फैबुलस है फंड ट्रांसफर करने की कैटेगरी में। हम ऑलरेडी NEFT एंड RTGS के प्रॉन्स एंड कॉन्स जान चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। जहां NEFT में अर्ली बैच में ट्रांजेक्शन होता है, वहीं RTGS में मिनिमम फंड ट्रांसफर करने की लिमिट 2 लाख है। IMPS इन दोनों ही लिमिटेशंस को ओवरकम करके पेयर इन पे की हेल्प करता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में। बात करते हैं IMPS सर्विस के लॉन्च की। तो 22 नवंबर 2010 को इस सर्विस को लॉन्च किया गया था एंड विद इन अ ईयर इट गेट्स पॉपुलर। ये एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर है जिसमें आपको पेई के अकाउंट नंबर या IFSC कोड देना मैंडेटरी नहीं होता, बिकॉज इस सर्विस को मोबाइल नंबर एंड MMID के थ्रू भी फैसिलिटेट कराया जाता है। MMID स्टैंड्स फॉर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जो कि हर बैंक का एक यूनिक कोड होता है और बैंक से ही अकाउंट होल्डर को इशू किया जाता है। इसी के साथ आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन ईजिली कर सकते हैं। सबसे खास बात इस सर्विस की ये है कि ये सर्विस 365 दिन 24 घंटे 7 दिन 24/7 आपको अवेलेबल होती है। इस सर्विस को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है एंड इनिशियली इट वॉज स्टार्टेड बाई ओनली 4 बैंक्स। और 4 बैंक थे SBI, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। आफ्टर सक्सेसफुल पायलट रन इसको नेशन वाइड लॉन्च कर दिया गया और आज की डेट में ये फैसिलिटी हर बैंक के साथ आपको अवेलेबल होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, IMPS ट्रांजेक्शन एक रियल टाइम ट्रांजेक्शन है। जिस भी मूवमेंट पैसा जो है अकाउंट होल्डर के अकाउंट से डेबिट होता है, द नेक्स्ट मूवमेंट इट गेट्स क्रेडिटेड टू द पेईज अकाउंट विदाउट एनी फर्दर डिले। फंड ट्रांसफर करने के लिए इंडिविजुअल को मोबाइल नंबर और MMID की ज़रूरत होती है। इस फैसिलिटी को आप ATM इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अवेल कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं IMPS ट्रांजेक्शन के लिए, तो आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं। आप अकाउंट नंबर के यूज़ से भी इसको कर सकते हैं और MMID मोबाइल नंबर के यूज़ से भी। MMID को ब्रीफ में जानते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो MMID स्टैंड्स फॉर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये एक 7 डिजिट का कोड होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है यूज़र को जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है उस ट्रांजेक्शन में। आउट ऑफ 7 डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट आइडेंटिफाई करती हैं बैंक को एंड लास्ट डिजिट 3 डिजिट आइडेंटिफाई करती हैं अकाउंट नंबर को। देखिए, जो MMID होता है वो मोबाइल नंबर के साथ मैप किया जाता है। सो इस केस में अगर मोबाइल नंबर एक्सीडेंटली आप गलत टाइप करते हैं तो देर इज़ अ लेस चांस ऑफ एरनेस ट्रांजेक्शन। सो दिस इज़ द बेनिफिट यू गेट फ्रॉम MMID यूसेज। और MMID को क्योंकि मोबाइल नंबर के साथ मैप किया जाता है, तो कोई भी इंडिविजुअल अपने एक ही मोबाइल नंबर पर मल्टीपल बैंक्स की MMID इशू करा सकता है। सो दिस इज़ द बेनिफिट एंड दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ IMPS पेमेंट सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद माय लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।